आज हम एकदम डिफरेंट तरीके से आपको मटन बनाकर बताएंगे, जिसमें हम बेसन यूज़ करेंगे। लेकिन किस तरह से बेसन यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो पूरा फुल से वॉच कीजिएगा। बेसन डालने के बाद में मटन कुछ इस तरीके का लजीज और दानेदार बनकर रेडी होता है। तो ये किस तरीके का मटन बनने वाला है, तो आप वीडियो में पूरा फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये मटन बनकर रेडी होता है, ट्रेडिशनल तरीके से बनता है। तो एक बार मेरे तरीके से मटन ज़रूर आप बनाकर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखिए इस तरह का मटन लिया है। मटन को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में देखिए मटन को हम साइड में रख देंगे। अब बेसन वाला जो मटन है, ये एक अलग ही ट्रेडिशनल करी है, यानी मटन करी है, जिसे लखनऊ के ढाबों पर रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। तो बेसन डाल के बनाते हैं। लेकिन बेसन हमें किस तरीके से डालना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वीडियो थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी बिगड़ जाएंगी। तो हमें जो है तो बेसन वाला मटन बनाने के लिए गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक बड़ा सा भगोना रखेंगे। इसमें 3 से 4 इलायची, 3 से 4 जो है तो लौंग डालेंगे, हरी इलायची डालना है। मटन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश किया हुआ मटन डायरेक्ट हम इसमें डाल देंगे। ये जो मटन है हम 1/2 kg की क्वांटिटी में बना रहे हैं। आपको 1 kg बनाना हो तो 1 kg बना सकते हो। इलायची और लौंग थोड़ी ज़्यादा डालें, ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा डालें। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊंगी, जब भी आप मटन डायरेक्ट तेल में डालो ना, तो ऑयल को यानी तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है फिर डालना है, वरना मटन जो है तो भगोने को चिपकने लगता है। अब एक स्पेशल मसाला बनेंगे, उसके लिए 2 टेबल स्पून ड्राई कोकोनट लेंगे, 5 से 6 जो है तो बादाम लेंगे। बादाम को हमने जो है तो कद्दूकस कर लिया, या आप कट करके यूज़ कर सकते हो। उसका पेस्ट बनाना है। आप जो है तो हमें एक कटोरी लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून बेसन लेना है। और बेसन में हमने है ना थोड़ा सा पानी डालना है, देखिए इस तरह से, और बेसन का घोल बनाकर रख देना है। तो बेसन हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बेसन यूज़ करने का तरीका और किस तरह से हमें समझना है कि बेसन कितना यूज़ करें और कितना ना करें। अभी का हमने 1 टेबल स्पून बेसन को देखिए इस तरीके से मिक्स किया है और इसका एक घोल बनाकर रेडी कर लिया है। देखिए ये रेडी है, इसे साइड में रख देंगे। अब जो है तो ये मटन के ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे और इसे जो है तो 10 से 15 मिनट बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये गरम मसाला बनाएंगे खुशबूदार सा। उसके लिए 1 teaspoon जीरा लेंगे, 8 से 10 ब्लैक पेपर लेंगे, छोटा सा जावित्री का टुकड़ा लेंगे और एक कलमी का टुकड़ा लेंगे। तो देखिए इसे मिक्सर में हमने पीस लिया, मिक्सर में पीसे ना जाए तो छन्नी बत्ते में कूट लेंगे। बादाम का और ड्राई कोकोनट का जो है तो मसाला वो भी हमने पीस लिया। ये दोनों मसाले हमारे प्रॉपर रेडी है। अब 2 बड़ी साइज़ के हमने अनियन लिए हैं। अनियन को जो है तो अच्छी तरह से जो है तो हम छील लेंगे और इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें पानी नहीं डालेंगे, अनियन अपने आप ही पेस्ट बन जाती है। और जो है तो अब हमारा मटन देखिए यहाँ से 20 से 25 मिनट हो चुके थे और अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, अब इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए इतना मॉइस्चर रहने देना है, तब इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे, जैसे कि हमने अब पीसी हुई अनियन इसमें डाल देना है। देखिए इस तरह से हम डाल देंगे। अनियन में भी खूब सारा मॉइस्चर होता है, उसका भी बहुत सारा मॉइस्चर निकलेगा। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा अनियन में पानी डाल देंगे हम, वो लगभग 2 टेबल स्पून जितना। अब सारी चीज़ों को हमने और भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब ये अनियन कच्ची है, हमें इसे पकाना है। तो किस तरह से पकाना है वो आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। इसमें जो है थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, लगभग 1 pinch जितनी हल्दी डालना है हमें। हल्दी डालने के बाद फिर उसे मिक्स करेंगे, ताकि हल्दी एक साइड में ना रह जाए, पूरे मटन में हमारे अच्छी तरह से हल्दी लगे। अब इसमें जो है तो थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और ढक्कन ढक देंगे, फिर उसे 10 मिनट पकने देंगे। तो देखिए 10 मिनट में हमारा मटन और भी अच्छी तरह से गल चुका है और जो है तो अनियन भी अच्छी तरीके से पक चुकी है। कच्ची अनियन में अगर हम मसाले डालेंगे ना, तो अनियन का जो फ्लेवर आएगा आखिरी तक ये कच्चा ही आएगा, तो इसलिए अनियन को पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ चुका था। अब हमने जो मसाले खुशबू के लिए पीस कर रखे हैं ये डाल देंगे। अब इसमें कुछ गरम मसाला डालेंगे, जैसे कि 1 teaspoon जीरा, 2 से 3 ब्लैक पेपर, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जो हमें पीसने में डालना है, साबित भी डालना है। इसमें 1/2 गिलास हम पानी डालेंगे, फिर से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। पानी डालने की वजह यह है कि हमने जो है तो बादाम का और ड्राई कोकोनट को पीसा है ना, तो वो अपनी ग्रेवी में थिकनेस लाती है, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो नीचे लगने लगती है। 1 टेबल स्पून जो है तो लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा फीका आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। वन टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अभी जैसे जैसे मिक्स करेंगे वैसे वैसे इसमें रौनक आते जाएंगी और जो है तो इसमें ऑयल रिलीज होते रहेगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भूनने के लिए छोड़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमें भूनना है, ताकि इसके अंदर का जितना भी कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मटन का मसाला भूनने में, मटन जब भी आप पकाओ तो एक बात का ख्याल रखिए कि जितना अच्छी तरीके से हम मटन के मसालों को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डालेंगे, फिर से मिक्स करेंगे धनिया पत्ता डालने के बाद में। भूनते रहना और मिक्स करते रहना, ताकि जो है तो हमारे भगोने के तले को मटन और मसाले लगे ना।
अब जो है तो गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो रखेंगे और 10 मिनट फिर से हम जो है तो ढक्कन ढक के इसे पकने देंगे ताकि एकदम एग्जैक्ट जो मटन है उसमें फ्लेवर इसके आ जाए। देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे और ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका। तो अगर आपको भुना हुआ पसंद हो मटन तब भुना हुआ रखें, या तो फिर आप थोड़ा सा रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें बेसन किस टाइम पे डालना है, तो देखिए इस टाइम पे बेसन डालना है तो बेसन नीचे बैठ जाता है और जो उसका पानी होता है ना वो ऊपर आता है। जब डालना है, जब बेसन आप इसमें डालें तो बेसन को चमची से मिक्स नहीं करना है, ऊपर ऊपर का पानी डालें। तो दो बार हम पानी डालेंगे और जो नीचे का बैठा हुआ जो बेसन है वो इसी तरह से रहने देंगे। तो देखिए हमने एक बार बेसन का पानी इसमें यूज़ किया है, 5 मिनट इसी तरीके से भूनेंगे ताकि बेसन का दाना आ जाए और फिर एक बार फिर से बेसन का ऊपर का पानी डाल देंगे। तो हमने भिगोते टाइम बेसन को 2 टेबल स्पून वाटर यूज़ किया, नीचे का अंदर का जो है तो बेसन रहने देना, ऊपर ऊपर का पानी हमें 2 बार करके डालना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नॉर्मली वाटर डालेंगे फिर इसे 5 मिनट भून लेंगे, क्योंकि बेसन डालने से काफ़ी थिक होता है। और फिर इस तरीके से जो हमारा टोकरा हो भगोना इसे नीचे ऊपर करना है ताकि इसका एक बेसन का जो है ना तो बढ़िया तरीके से दाना बन जाए। तो लखनऊ में हो या कहीं पर भी होटल में रेस्टोरेंट में जो कोरमा वगैरह बनते हैं ना तो दाना बनाने के लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की जाती है। तो लीजिए यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से बेसन वाला हमारा कोरमा रेडी है, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम डिफरेंट तरीके से बनकर रेडी होता है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर से आप मटन बनाकर देखेंगा, सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा। अब एक सर्विंग डिश लेंगे और इसमें जो है तो हमारा मटन सर्व करेंगे, फिर रोटी हो पराठे हो नान हो कुलचा हो किसी के भी साथ में आप ये मटन इंजॉय कर सकते हो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये मटन पसंद आया, तो उसी टाइम पर मैं रोटी से थोड़ा सा इंजॉय करूँगी। तो आई होप गाइज आपको ये मटन की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल बटन आता है उस कॉल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर अमेजिंग से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइज। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एक बार आपके रिलेटिव में फ्रेंड्स में ज़रूर से ये रेसिपी शेयर कीजिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत ही लजीज बनकर रेडी होती है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।